चार गुरु हमारे जीवन में होते हैं। पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु है सतगुरु। चार अवस्था के ये चार गुरु हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना कि ये गुरु करने के लायक है कि नहीं। जिसको हम गुरु बना रहे हैं ये हमें भव सागर से, संसार सागर से तार सकता है कि नहीं। मालूम पड़े फिर वही आसक्तियों में, वही तृष्णा में, वही वासना में पटक दे तो क्या गुरु। और असली गुरु को पहचानो। जगत में आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो गुरु कहां से मिलेगा, ये भी तो सोच के विचार करो। हम जगत के उजाले में, जगत की डेंटिंग पेंटिंग में, जगत के शौक और जगत के बहुत बड़े फैलारे में हम फंस कर सोचते हैं कि उनके 10,000 शिष्य हैं तो उनके 5,000 शिष्य हैं तो उनके 2,000 शिष्य हैं तो हम उन्हीं को गुरु बना लें। 50 बार विचार करो। गुरु सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जब सुखदेव जी के पास में गए थे, 350 गुरुओं के पास मिलते मिलते गए थे। कोई कहता था मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा। तब सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिले। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे बचा लूंगा, पर इतना जरूर कहता हूँ अगर तू भगवत स्मरण करेगा, अगर तू भगवत चर्चा करेगा, अगर तू कथा रस तत्व में डूबेगा तो ये पक्का है कि जो मृत्यु आएगी, जो सर्प डसेगा तुझे, तुझे उसका भान नहीं होगा, तुझसे भय नहीं होगा। तुझे उसका भय प्राप्त नहीं होगा, ये जरूर कह सकता हूं। पर मैं कहूं कि काल ही रुक जाएगा, मैं कहूं कि मृत्यु ही रुक जाएगी तो वो नहीं हो सकता। मरना तो सबको है, पर ये जरूर है कि तू अगर भगवत चर्चा में बैठ गया, अगर तू भगवत स्मरण में बैठ गया तो फिर तुझे भय नहीं होगा। माता जगतजननी जगदम्बा ने भगवान शंकर को गुरु बनाया है, शिव को गुरु। भगवान शंकर को गुरु बनाया एक शिव का स्मरण कर। अमर गुफा में भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि गुरु बनकर बैठे हैं और ये शिष्य बनकर बैठे हैं। जहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां से कुछ मिल जाए उसको रख लिया जाए, जहां से भी मिले आपको। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको अपने पास में संजो कर रख लो, जो बेकार मिल रहा है उसको छोड़ दो। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।